हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉर्जस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 34। ठीक है, 14 क्वेश्चन जो है इसमें कुछ नहीं, हमको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, हमें बस क्या करना है, घटाना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बता दें, यहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, यहाँ से अपनी साइंस जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि हमें घटाना है, तो घटाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होता है? पहला रूल्स तो यही है और मेन रूल हमारा यही है, अगर आपने यही गलत कर दिया है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम डायरेक्ट ऐसे ही हम इसको घट रहा होता घटा देते, जोड़ रहा होता घट जोड़ देते, पर हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने कहा था घटाइए, तो मतलब घटाना है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे प्लस है तो ये चिन्ह जो है हमारा, जो नीचे वाले हैं उनके चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। मतलब अब ये चार ए जो है वो माइनस का है, 7AB जो है वो हमारा प्लस का है, 3B जो है वो हमारा माइनस का है, 12 जो है वो हमारा क्या का है, माइनस का है। ठीक है, जो नए चिन्ह बने हैं वही उनके अपने चिन्ह हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस हमारे क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो हम आपको बता देते हैं रूल्स, अगर हमारा प्लस प्लस हो, सेम चिन्ह हो, तो हमारे ये क्या होते हैं, ये हमारे जुड़ते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तब हमारा क्या होता है, घटाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और चिन्ह जो बड़ी संख्या होती है उसका हमारा चिन्ह लगता है। ठीक है, उसका हमारा क्या लगता है, चिन्ह लगता है। जैसे कि ये दोनों ही माइनस के हैं तो हमारा माइनस में ही आएगा, पर दोनों माइनस के हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, मतलब 12 + 3 हमारा 15 हो जाएगा। ऐसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, घटाएंगे, घटाएंगे तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 2B। अब चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा हमारा 5 है तो प्लस लग गया। ऐसे ही ये हमारा माइनस है, प्लस है तो घटेगा, घटेगा तो हमारा 2AB आ जाएगा। चिन्ह जो है वो हमारा 9 का लगेगा, माइनस का, क्योंकि 9 जो है 7 से बड़ा होता है। ऐसे ही ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है तो घट जाएगा, तो हमारा 8A बचेगा। चिन्ह जो है वो बड़े का लगेगा, मतलब प्लस का लगेगा, तो प्लस तो हम लिखते ही नहीं है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8A - 2AB + 2B - 15। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको भी करते हैं तो चिन्ह हमारा बदल जाएंगे, ये हमारा एक्चुअल में प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो इसको हम ऐसा का ऐसा उतार देंगे, प्लस का 10XYZ। ठीक है, अब ये जो है हमारा माइनस का, ये प्लस का, तो घटेगा, घटेगा तो हमारा क्या आएगा, 7 - 2 गया 5ZX, और 7 जो है वो हमारा प्लस का है, 2 माइनस का है, मतलब 7 बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस हमारा जुड़ेगा, मतलब 7YZ आ जाएगा। अब दोनों ही माइनस के तो माइनस लग जाएगा, ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो घट जाएगा, घट के हमारा 2XY आ जाएगा। अब ये हमारा बड़ा है तो मतलब प्लस का आएगा, प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा ये जो है वो आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बचा है, वो भी करा देते हैं। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो हमें क्या करना है, इसको ये जो दिया गया है इसमें से ये हमें घटाना है। पहले बाकी तो क्वेश्चन जो होते हैं उनमें जैसे का तैसा दिया गया था, मतलब बिल्कुल सीरीज़ में, जैसे कि 18 था तो यहाँ पे अचर पद होगा, यहाँ पे पी वाला है तो यहाँ पे पी वाला, यहाँ पे क्यू वाला, यहाँ पे क्यू वाला, यहाँ पे लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ उल्टा दे, जैसे कि यहाँ पे हमारी पहली संख्या है तो संख्या इन्होंने इधर दे दी, फिर हमारा पी वाला है तो पी वाला यहाँ पे दे दिया, फिर क्यू वाला है, क्यू वाला हमारा यहाँ पे दे दिया, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा इस तरीके से दिया गया है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको ही लिख लेते हैं। ठीक है, 4P इसमें से हमें ये घटाना है तो हमें सबसे पहले तो ऊपर वाला ही लिखना पड़ेगा, तो ऊपर वाला ही हम लिख लेते हैं, उधर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि संख्या जो होते हैं, संख्या जो होती है वो आमतौर पर हमारी लास्ट में ही रखते हैं। ठीक है, तो हम उधर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 5 था हमारा, 5P² Q, फिर है माइनस P², फिर है प्लस का 5PQ, फिर है माइनस का 11Q, फिर है माइनस का 3P, फिर है हमारा प्लस का 18। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम जो हमारा ये जो मिल, ये हमारा जो है
ठीक है। ये हमारा पी क्यू वाला पद जो है, जो अगर सेम टू सेम मिल रहा है तो उसी के नीचे हम वही लिखेंगे, जैसे कि पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू हमारा ये है, तो हमारा इसके नीचे आ जाएगा 4 पी स्क्वायर क्यू। फिर हमारा पी क्यू वाला है, तो पी क्यू वाला हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो -3 पी क्यू लिख देंगे। फिर हमारा पी क्यू स्क्वायर वाला, पी क्यू स्क्वायर वाला हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 पी क्यू स्क्वायर। फिर हमारा क्यू वाला है, तो क्यू वाला हमारा ये है -7 क्यू। फिर पी वाला हमारा ये है -8 पी। फिर हमारा ये संख्या वाला ये है -10। इस तरीके से ये जो है हमको अरेंज करना पड़ेगा, फिर हमको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है हमने कर ली है, क्या करना है हमको, घटाना है, तो फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। काम क्या है हमारा, चिन्ह बदलना। ये हमारा प्लस का था, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह जो है वो हमने बदल लिया, अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, प्लस का ये है, माइनस प्लस का ये भी है, दोनों ही हमारे प्लस के हैं, तो हमारे जुड़ के क्या हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, तो हमारे घटेंगे, घटने पर हमारा 8 में से 3 गया, 5 पी आएगा। अब हमारा आएगा प्लस का, क्योंकि 8 जो है वो हमारा बड़ा है। ये माइनस का, ये प्लस का, तो हमारा घटेगा, तो 7 में से 11 गए, मतलब यह कह लो कि 11 में से 7 गया, तो हमारा 4 आएगा, ठीक है, 4 क्यू आएगा। अब आएगा ये हमारा माइनस का, क्योंकि 11 जो है वो हमारा बड़ा है 7 से। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो हमारा जुड़ जाएगा, जुड़ के हमारा 8 पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी, तो हमारे दोनों ही माइनस के हैं, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हमारा ये माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटे घटने के बाद हमारा क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर आएगा, और वो भी प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्लस का आएगा, ठीक है, ये हमारा प्लस का आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा पहला चौथा वाला कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको एक और बात बतानी है, अभी जाना नहीं है। हमारे बेटा जी अपनी दवा लेके आ गए हैं, कहें कि मम्मा मुझे खिला दो, ठीक है, तो जाओ भागो अभी यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, और आपको बता दे भाई, साइंस आपको अपनी पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाया है मैंने, और यहाँ से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका है। और यहाँ हमारा ब्लॉग चैनल है, इसमें हम मस्ती वस्ती जो होती है वो करते रहते हैं, और ये हमारे क्रिएटिव चैनल, तो इन चैनल्स को जो है आपको सब्सक्राइब करना है, और यहाँ से ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, पर आप लोग फालतू की बकवास मत किया करिए, ठीक है, वरना ब्लॉक ही कर दिया जाएगा, हटाना तो मतलब हटा तो दिया ही जाएगा, साथ में आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा, ठीक है।